I'm giving a demonstration of watercolor. For that, there are three types of trees. Okay, this is normal जो हम लोग trees देखते हैं हमारे घर के बाहर, जैसे गुलमोहर, गुलमोहर नहीं बोलेंगे, जैसे नीम ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया. इस तो जो हम बिगनर्स लेवल्स की हैं, जो हमारे जो जूनियर यानी कि जो फर्स्ट टाइम वाटर कलर कर रहे हैं, उनके लिए ये ड्राॅइंग्स है, सिंपल है. और ये है ये सेकंड ट्री है और ये थर्ड ट्री है. तो सबसे पहले जब भी हम ट्री में कलर करते हैं, तो सबसे पहले अगर हमें जो ग्रीन पार्ट है हमारा ट्री का, उसमें हमें सबसे पहले ये देखिए, अगर जब भी हम कोई भी वाटर कलर की ड्राइंग्स देखते हैं, तो उसमें ये देखना चाहिए कि उसका फर्स्ट टोन क्या होता है. तो फर्स्ट टोन आपको जैसे आपकी पहली असाइनमेंट है उसमें बताया गया है कि अगर अगर 25% अगर हमारा कलर है, तो हमारा 75% क्या रहेगा, वाटर रहेगा. ये होता है हमारा फर्स्ट टोन. सेकंड टोन में होता है कि अगर हमारा 40% अगर कलर है, तो 60% क्या रहेगा, वाटर रहेगा. और थर्ड टोन में 75% कलर, तो 25% वाटर रहेगा. ये हमेशा याद रखना है. जब भी हम कलरिंग करते हैं, तो थ्री टोन में काम करना चाहिए. यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए ये फॉर ट्री में, ये सबसे पहले देखो, अगर हमें यहाँ पे अगर हमें कलर करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे येलो कलर करेंगे. येलो कलर के बाद हम लोग लाइट सैप ग्रीन करेंगे, उसके बाद डार्क सैप ग्रीन करेंगे. दैट मीन्स इसका मिडल टोन लेंगे और ये होगा हमारा लास्ट थर्ड टोन होगा, जो डार्क टोन होता है हमारा. वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो ये स्टेम है. स्टेम में सबसे पहले हमें लाइट जो फर्स्ट टोन है ऑकर येलो का, वो लेना है. उसके बाद अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट टोन है, ये सेकंड टोन है, और ये क्या है हमारा, थर्ड टोन है. तो हमेशा याद रखो कि हमें वॉटर कलर हमेशा थर्ड टोन में करना है. अब लेट स्टार्ट द कलरिंग. यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ये, आप यहाँ देखोगे, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ड्राइंग बना के रखी है. अब हम इसमें कलर करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले क्या करना है, सपोज ये वाटर है, वाटर ले लिया मैंने, इसमें मैंने क्या किया है, येलो कलर ले लिया है, सिर्फ वन ब्रश कलर लिया है. और हम क्या करेंगे, पूरे जो हमारा येलो पार्ट है, येलो पार्ट का जो पोर्शन है, उसमें हम क्या करेंगे, ये ट्री का जो ग्रीन पार्ट है, उसमें हम लोग येलो कलर करेंगे. इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है, पर हम हमारी शुरुआत है वो वाटर कलर की, तो इसीलिए हमें इसी टाइप से हमें कलरिंग करना सीखना पड़ेगा. वाटर कलर करने के लिए आप केक कलर्स यूज कर सकते हो, ट्यूब कलर्स यूज कर सकते हो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कलर्स, एक ड्राई वाटर कलर एंड सेकंड वन इज अ वाटर कलर ट्यूब्स. हमें सबसे पहले हमारी ड्राइंग में, जो हम कोई भी ड्राइंग हो या हमारी स्टिल लाइफ हो, मेमोरी ड्राइंग्स हो, सबसे पहले हमें उसका फर्स्ट टोन है पूरी जगह पे लगा देना है, ताकि हमारा जो फर्स्ट, जहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे पहले कलर किया, तो लास्ट में जब हम आएंगे तो फिर से यहाँ से शुरू करेंगे, तब तक ये क्या हो जाना चाहिए, ड्राई होना चाहिए. क्योंकि वाटर कलर में क्या होता है कि हमारे कलर्स जो है वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, ये सिर्फ सूखता नहीं है हमारा, तो हमें उसको क्या करना है, ड्राई करना है. देखो वाटर कलर करते समय ट्री में, जब कोकोनट ट्री में करते हैं, तो उसके जो डायरेक्शन है, आप उस डायरेक्शन के ऊपर ध्यान दो. अभी हमारा बेसिक जो कलर है, हमेशा क्लॉथ अपने पास रखिए. अब सेकंड जो है हमारा स्टेम में भी हम प्राइमरी हमारा जो कलर है वो करके रखते हैं. ये हमारा जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा क्या है, फर्स्ट टोन है.
अब जो हमारे बेसिक कलर्स हैं वो हमारे बेसिक कलर्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गया है। अब जब हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या, अभी जब भी हम वाटर कलर करते हैं तो ये हमेशा याद रखना है कि हमारा डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के हिसाब से हमें काम करना है। जैसे हम लोग ट्रीज देखते हैं तो ट्री में ऊपर का पोर्शन क्या रहता है, लाइट रहता है, फिर मीडियम रहता है, फिर क्या होता है, डार्क हो जाता है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे इसमें, ट्री में कलर करेंगे। तो ट्री में कलर करते समय हमेशा याद रखना है हमें सैप ग्रीन यूज करना है। सैप ग्रीन क्या होता है, नेचुरल लुक देता है। अगर ट्री का टेक्सचर देना है हमें तो ये देखो इस तरह से हमें क्या करना है, कलरिंग करनी है। थोड़ा सा ब्रश को धो लेना है और थोड़ा सा इसमें क्या कर देना है, हमें मर्जिंग करनी है। सेकंड प्रोसीजर सेम फॉर ऑल। यहां पर देखो ये फर्स्ट पोर्शन दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें सेकंड पोर्शन दिख रहा है। तो यहाँ का जो नीचे नीचे का पोर्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सैब्रिन कलर यूज करेंगे। ब्रश को कैसे यूज किया जा रहा है उसको आप ध्यान से देखेंगे। हर ट्री में कलर करने का तरीका अलग होता है। फिर से ब्रश धोएंगे और इस कलर को क्या करेंगे हम, जो येलो कलर हमारा पहले का कलर था उस कलर को क्या करेंगे हम, मर्ज करेंगे। सेम प्रोसीजर ऑल्सो हियर। यहाँ पर देखो हम वर्टिकल स्ट्रोक्स यूज कर रहे हैं और उसकी डायरेक्शन के ऊपर ध्यान देना है। दोनों ट्री में काम करने का तरीका अलग अलग है। वॉटर कलर वो पोस्टर कलर से भी फास्ट मीडिया है, ड्राइंग बहुत फास्ट होती है। पर आपको ध्यान देना है कि आपको कलरिंग के समय फर्स्ट एंड लास्ट होता है। पोस्टर कलर में अगर गलत भी हो जाता है तो आप उसको सुधार सकते हो, पर वॉटर कलर में नहीं कर सकते हो। अब इस ट्री में कलर करने का तरीका एकदम डिफरेंट है, हमें उसके लीव्स के हिसाब से काम करना है। और जब भी हम वॉटर कलर करते हैं तो हमारी कॉपी को थोड़ा सा नीचे से ऊपर उठा के, दैट मीन्स ये स्लांट करना, ऊपर यानी कि स्लांट टेबल के ऊपर काम करेंगे तो बहुत अच्छा बनता है। उसके लिए आप नीचे में कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पर ये ऐसे ऊपर करके ऐसे रखाया है, तो ताकि कलर जो है हमारा आगे पीछे, दैट मीन्स हमारा कलर है वो नीटली हमें दिखाई दे। और वाटर जो हमारी कॉपी है या पेज है हमारा, वो क्या होता है, वाटर को सक नहीं करता है। यहाँ पर भी हम हमारा बेसिक जो कलर है कोकोनट, हमारे ग्रीन कलर के होते हैं, इसीलिए हमने ये कलर लगा दिया। अब हम स्टेम के ऊपर जाएंगे। अभी हम सब ये सब गीला है तब तक हम स्टेम के ऊपर भी सेकंड टोन ट्री में, ट्री के स्टेम में सेकंड टोन कर रहे हैं। उसके लिए हमारा जो कलर है, हमें अभी कैसे कलर होना चाहिए, थोड़ा सा जो हमारा पहला कलर था उससे हमारा ये कलर डार्क होना चाहिए। जैसे देखो अगर आप कोकोनट ट्री में ध्यान दोगे तो ये इस तरह से डार्क दिखना चाहिए। और इसके लिए 000 का ब्रश यूज करो ताकि आपको करते हैं। अब
अब हम हमारा जो फर्स्ट टोन है और सेकंड टोन है, जैसे ये हमारा लाइट येलो कलर था और सेकंड है हमारा सैप ग्रीन कलर है, ये दोनों टोन हमारे हो गए हैं, स्टेम में भी हो गया है और लीव्स के पोर्शन में भी हो गया है। अब हम थर्ड टोन यूज करेंगे जिसमें हमारा जो वाटर कलर है वो क्या रहेगा, डार्क ज्यादा रहेगा। वाटर कलर के साथ हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कलर के साथ हम लोग पर्शियन ब्लू कलर मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डार्क सैप ग्रीन मिलेगा। और हमें ये जो डार्क सैप ग्रीन कलर है वो नीचे नीचे पोर्शन में देना है इस तरह से। यहाँ पर भी दे देंगे हम, पूरे इसमें नहीं करना है, तीन स्ट्रोक दिखने ही चाहिए ट्री में जब हम कलर करेंगे तो। हम ब्रश को फिर से धो लेंगे और इस कलर को फैब्रिक का जो हमारा सेकंड टोन था उसके साथ क्या करेंगे, हम मर्ज करेंगे। हमेशा इसी वे में हमें ट्री में काम करना है, ये याद रखना है। वैसे ही सेम प्रोसीजर हम फोर ट्री में करेंगे। अब यहां से हमें लाइंस में काम करना है। नीचे से ही ऊपर जाना है हमें। पहले पहले हो सकता है कि आपके कलर बाहर भी जाए तो डरना नहीं है, वो धीरे 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 हैबिट हो जाती है। ही यहाँ पर हम हमारा जो ये कोकोनट का ट्री है, सबसे पहले हम इसके जो कोकोनट्स है उसको हम थोड़ा सा आउटलाइन कर देते हैं। तो ये कोकोनट बन गए हमारे। अब ये यहाँ से ध्यान ध्यान से धीरे 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 000 के ब्रश से हमें वॉक करना है। हम यहाँ पे जो येलो कलर है स्टेम में जो कोकोनट ट्री के उसके उसमें हम येलो ही कलर रखेंगे क्योंकि वो पोर्शन कैसे रहता है, ऊपर रहता है, तो उससे हमें वहाँ पे वो ट्रापार्ट जो रहता है वो ट्रांसपेरेंट दिखता है, इसीलिए हम येलो कलर रखेंगे। डायरेक्शन के ऊपर ध्यान दो अच्छे से। हमेशा याद रखना है पूरे पोर्शन में ग्रीन नहीं करना है क्योंकि कुछ पोर्शन हमारा क्या रहता है, डार्क रहता है, तो कुछ पोर्शन हमारा क्या रहता है, लाइट रहता है।
दैट मीन्स उसमें से हमें लाइट कलर की भी लीव्स दिखनी चाहिए, डार्क कलर की भी लीव्स दिखनी चाहिए। ये हमारा ग्रीन कलर का पोर्शन फिनिश हो गया है। अगर हमें लगता है कि नहीं मेरी इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है, मुझे डार्क दिखाई दे रहा है, तो आप एक और काम कर सकते हो उसको और डार्क करने के लिए। यहाँ पे हम जैसे ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो यहाँ पे हमें वो गैप दिखाने के लिए आप थोड़ा सा और डार्क कलर भी यूज़ कर सकते हो, और फिर से उसको ब्रश को वो क्लॉथ से क्लीन करके उसको मार्च कर सकते हो। यहाँ भी कोई जरूरत, अभी हम स्टेम में थर्ड टोन कर रहे हैं। थर्ड टोन करते समय ये याद रखिए कि हमें थर्ड टोन करते समय ट्री में पहले हमने क्या किया था, लाइट ऑकर येलो, फिर देन सेकंड डार्क ऑकर येलो कलर, और अभी हम लोग ब्राउन कलर यूज करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो हमारे ट्री का टेक्सचर है वो देंगे, जैसे यहाँ से शैडो आती है ट्रीज के लीव्स की, यहाँ पे शैडो आती है, इसलिए हम यहाँ का पोर्शन क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क दिखाएंगे। सेम प्रोसीजर यू हैव टू अडॉप्ट हियर ऑल्सो, सेम प्रोसीजर। इस तरह से आपको ट्रीज में कलर करना है। अगर आप चाहो तो जैसे हम हमारे एकेडमी में हम लोग ब्लैक कलर से आउटलाइन देते हैं, या आपको दिन अगर वैसे तो वाटर कलर में आउटलाइन नहीं देते हैं, पर अगर आपको करना है तो आप इन पोर्शन में वाटर का आउटलाइन कर सकते हो। इस जब ये ड्राई हो जाए तब आपको आउटलाइन करना है। पूरी जगह पे नहीं करना है, पूरी जगह पे नहीं करना है, जहाँ पे जरूरत है वहीं पे ब्लैक की आउटलाइन करनी है।
you have to draw it. ऐसे ही आपको देखना है, आपने जैसे आज वीडियो में देखा है वैसे ही आपको करके देखना है.